यस बेटी, ऑलरेडी, वेरी गुड, टेक आउट योर नोटबुक्स ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा, वी वॉन्ट टू रिकॉल. रिकॉल मीन्स हम रिवाइज करना चाहते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है. लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि आपके पास जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी कुछ टाइप्स होती हैं. फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? समथिंग विच इज रिटन इन द न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर. यू नो कि नंबर जो ऐसे फॉर्म में होते हैं, कुछ न्यूमिरेटर में लिखा होता है, कुछ डिनोमिनेटर में लिखा होता है. टुगेदर वी कॉल इट अ फ्रैक्शन. ओके, और उसके टाइप्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर फ्रैक्शन. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें न्यूमिरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. आपको पता है ऊपर वाला हम डिनोमिनेटर होता है, यू नो इट. यस ओके, वेरी गुड. बट आई वॉन्ट टू चेक दैट ऑल सेक्शंस आर एबल टू हियर मी. रेज योर हैंड. यस, दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो लेट्स कंटिन्यू. सो प्रॉपर फ्रैक्शन जिसमें न्यूमिरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ओके, एंड इम प्रॉपर इज वेयर न्यूमिरेटर इज बिगर देन डिनोमिनेटर. यू नॉमिनेटर नो इट, दैट्स गुड. अगर आपको ये चीज पता है अच्छे से तो मुझे आपको अच्छे से समझ आने वाले हैं. मिक्स फ्रैक्शन का मतलब उसमें एक होल नंबर होता है. होल नंबर मतलब कि जिसका फ्रैक्शन नहीं होता. फ्रैक्शन के क्या क्या मतलब है? फ्रैक्शन का मतलब है कि किसी चीज को हम ब्रेक कर रहे हैं, किसी चीज को हम डिवाइड कर रहे हैं, किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. एक पूरी चीज है, एक पूरा केक है, या एक पिज्जा है, या मेरे पास पूरे एक बिस्किट का पैकेट है फुल, उसको मैं फाड़ के उसका जो है बिस्किट्स है मैं शेयर कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ. इज इट ओके? तो इट मीन्स कि जे अगर मैं किसी भी चीज को अगर डिवाइड कर रही हूँ फर्दर या डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, तो इट मीन्स आई एम फाइंडिंग आउट फ्रैक्शन ऑफ दैट. इज इट क्लियर? यस वेरी गुड. सो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है? एक कंप्लीट होता है और उसके साथ एक फ्रैक्शन भी होता है. ठीक है, वन कंप्लीट, वन होल, वन टू, वन टू बाई फाइव का मतलब कि वन कंप्लीट, टू बाई फाइव उसके साथ फ्रैक्शन. ठीक है, यू मस्ट नो कि जब भी आपके पास लिखा हुआ है वन टू बाई फाइव, बीच में एडिशन का साइन होता है. ओके बेटे, वन प्लस सम फ्रैक्शन. ओके, दिस इज द वे वी यूज देम. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद. आपके पास जो जो सिंपलीफाई था उसमें फर्स्ट सिंप्लीफाई का इज इट इन योर असाइनमेंट, जो आपके पास असाइनमेंट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपली. दैट्स गुड. गोइंग टू स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई. फर्स्ट इज फोर वन बाय टू प्लस थ्री वन बाय सिक्स प्लस थ्री टू बाय फाइव प्लस टू वन बाय टू. ओके, सी बेटा, इस फ्रैक्शन में आप देख रहे हो बहुत सारे नंबर्स हैं. वन टू थ्री फोर, फोर फ्रैक्शंस आर यूज हियर. व्हेन फोर फ्रैक्शंस आर यूज, प्लीज उसको थोड़ा थोड़ा वन वन फिंगर के गैप पे लिखना उनको, ताकि वो आपस में मर्ज ना हो जाए. अगर आपस में क्लब हो गए आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा थ्री किसके साथ है. ठीक है, आपकी नोटबुक में काफी स्पेस है, उसको थोड़ा दूर दूर लिखो. और आपको बीच में जो प्लस का साइन है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए. टेक अ वन फिंगर स्टेप, अपनी फिंगर रख के फिर उसका उतने डिस्टेंस पे एवरी स्टेप आपका होना चाहिए, चाहे वो एडिशन का साइन है चाहे वो कोई नंबर है. ओके, अब आपको दिख रहा है इसमें बेटा सारे मिक्स में है. जब भी कोई मिक्स फ्रैक्शन होता है हम उसको ऐसे नहीं यूज करते डायरेक्टली, उसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, फर्स्ट थिंग इज टू कन्वर्ट इट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. हाउ टू कन्वर्ट इट? यू नो, फोर टू द एट एंड एट एंड नाइन, तो इट विल बी नाइन बाय टू. एवरीबडी नोज हाउ टू कन्वर्ट मिक्स इनटू इम्प्रॉपर? रेज योर हैंड. ओके, यू नो दिस ऑल्सो कि अगर हम मिक्स को चेंज करेंगे किसी फ्रैक्शन में तो वो प्रॉपर बनेगा या इम्प्रॉपर बनेगा. यू नो इट, इम्प्रॉपर गुड, वेरी गुड, इम्प्रॉपर वेरी गुड. आपके कंसेप्ट इज क्लियर, आपने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ. ओके, ऑल राइट बच्चे, लेट अस फाइंड आउट. सिक्स थ्री जा 18 एंड वन 19, 19 बाय सिक्स प्लस फाइव थ्री जा 15 एंड टू
17 by 5 plus 2 2 is 4 and 1 5 by 2. प्लीज राइट डाउन. अगर जिन बच्चों को आता है दे विल डू देमसेल्स, और करने के बाद बोर्ड से चेक करेंगे कि आपका ठीक है या नहीं. और जिनको नहीं आता है दे विल अंडरस्टैंड, जो भी मैं बता रही हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे एंड देन दे विल डू फर्दर. ओके बेटे, आपका अभी ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन चुका है, ठीक है? तो मिक्स से थोड़ा सा इजी बन गया है अभी. अब हमारा काम है, जब हम फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं सबसे पहले. इट्स एलसीएम इज 30. एलसीएम इज 30. ओके, यू हैव फाउंड इट ओरली या फिर आपने करके देखा है रफ में? करके देखा है. ओके, आई मस्ट टेल यू अ शॉर्ट मेथड ऑल्सो कि करके देखा है आपने. कई बच्चे इसको कैसे करेंगे, रफ में इसको 2, 2, 5 और 6 लिखेंगे और फिर इसका एलसीएम लेंगे, फिर वो लॉन्ग वाले डिविजन करेंगे एंड फाइंड आउट करेंगे. यही मेथड आता है ना आपको एलसीएम का? यस. वेरी गुड. अब आप थोड़े से बड़े हो गए हो, मैं थोड़ा सा एक और मेथड आपको बताने वाली हूँ जो कि सिंपल भी है और आपका इजीली होने वाला है, जो आपका विच विल सेव योर टाइम ऑल्सो. सो वॉट इज दैट? आपको दिख रहा है कि ये 2 और 2 तो सेम ही है, मिलते हैं आपस में, और जो 6 है, 6 के 2 के टेबल में 6 आता है. तो फिर इसका मतलब 2, 6 और 2 में से हमें सिर्फ 6 लेना है, ठीक है? बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इच अदर. क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, मतलब 2 के टेबल में 6 आता है. ओके, जब 2 के टेबल में 6 आता है तो मैंने सिर्फ 6 के बारे में सोचना है. और यहाँ पे 5 बिल्कुल अलग है, जो किसी के टेबल में नहीं आता, ना 6 के टेबल में या ना 2 के टेबल में. तो 6 5 30, ठीक है? ये दो नंबर्स का मैं मल्टीप्लाई करूंगी और मेरे पास 30 जो है वो एलसीएम आ जाएगा. इज इट इजी? प्लीज जब भी छोटे नंबर्स वो देख लिया करो, किसी के टेबल में नहीं जा रहे, इसका मतलब उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वो एलसीएम का पार्ट बन जाएगा. ओके बेटे, नाउ वी कैन फाइंड आउट. ऊपर आपको लिखना आता है क्या क्या है. 15 को जब 30 को 2 से डिवाइड करोगे 15 आएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, 15 × 9 मैम 135. या वेरी गुड, किसने निकाल लिया एलसीएम आता है? एलसीएम सबको निकालना आता है मैम. यस मैम, क्या है आंसर? यस13 17 by 30. थोड़ा सा जल्दी कर लिया आपने बेटा, थोड़ा रिवाइज करो इसको, कैलकुलेशन थोड़ी सी बिगर है, ठीक है? ऊपर जो नंबर आ रहे हैं आपके 15 आ रहा है और बड़े नंबर्स आ रहे हैं. प्लीज इसको दोबारा करो एक बार, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है आपकी मेरे को. प्लीज फाइंड आउट ये नंबर्स, ऊपर वाले निकालो सारे और इसका फाइंड आउट करो. आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, करो इसको. मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, इट इज 15 × 9 आ रहा है, ठीक है? फिर आप 6 को इससे डिवाइड करोगे, 5 6 30, तो 5 × 19 आ रहा है. यहाँ पे 6 × 17 आएगा, यहाँ पे 30 है तो 15 × 5 आएगा, ठीक है बेटे? आपको ऊपर वाले नंबर्स मैंने बता दिए. ये थोड़े से 15 के टेबल को 17 के टेबल को थोड़ा अच्छे से रफ में करो दोबारा से. तो इसका जो आंसर आएगा, इट इज 427 by 30. जब आप ऐड करोगे बेटा इनको, न्यूमिरेटर में 427 आ रहा है. आई एम गिविंग यू टाइम, कर लो इसको, रफ में करो मल्टीप्लाई. आई विल वेट फॉर यू. वेरी गुड, क्योंकि मैंने आपको आगे भी बताना है कि मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करोगे इसको. और जिस इसका हो जाएगा प्लीज रेज योर हैंड, यस 427 आ रहा है. Ma'am, the answer is 427. किसका आया? Raise your hand.
वेरी गुड, यस गुड, इसका मतलब बाकियों का भी आ सकता है. वेरी गुड, डू इट. जो बच्चे अभी नहीं कर रहे हैं वो घर पे जाके करेंगे इसको, ठीक है. थोड़े से अब आप 7th क्लास में होगे, थोड़ा सा बिगर टेबल भी आएगा आपको, 15 का, 14 का, 17 का. ओके, 427 ऊपर आ रहा है और नीचे हमारे पास 30 आ रहा है. मैं 2 मिनट्स वेट कर रही हूँ, देन आई टेल यू व्हाट टू डू. वेरी गुड, ओके. जिनका ये 427 आ चुका है, प्लीज रेज योर हैंड. वेरी गुड, काफी बच्चों ने कर लिया है. गुड गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस. प्लीज सी, हमें बेटा इसको, ये क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन में था तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में निकालना है, ठीक है. दे हैव नॉट टोल्ड अस एनीथिंग, उन्होंने कुछ नहीं बताया है कि कैसे निकालना है, बट हमें जो है क्लू मिल रहा है क्वेश्चन के जो नंबर्स है उससे क्लू मिल रहा है कि मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन था, तो हमें आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आना चाहिए, ठीक है. उसके लिए क्या करेंगे कि इसको हम बिगर नंबर को, जो ऊपर 427 है, उसको 30 से डिवाइड करेंगे. अदरवाइज भी आपको पहचान होनी चाहिए कि जब भी आंसर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है उसको मिक्स में पक्का शिफ्ट करना है आपने. प्लीज रिमेंबर, एवरी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन शुड बी शिफ्टेड इनटू मिक्स फ्रैक्शन. ओके बेटा, नहीं तो वो इनकम्प्लीट माना जाता है क्वेश्चन आपका. मैम, यस द आंसर 427 इज नॉट कमिंग. यस मैम, इट्स 407. मैम, इट्स 417. 417, फोर 407. 407, तो ठीक है, 407 करोगे. अगर 407 करोगे तो भी हमने इसको मिक्स में ट्रांसफर करना है. 407 से करोगे इसको, ठीक है. अगर 407 से करोगे तो भी इसको शिफ्ट करो ऐसे, डिवाइड करके चेक करो मिक्स में कैसे आ रही है. वेरी गुड, आपको डिवाइड करना आता है. 407 डिवाइडेड बाय 30, ठीक है. 30 वन 30, 0, यहाँ पे 0 आएगा, ऊपर से 7 आएगा, और 3 3 9, तो यहाँ पे हमारा 90 आ चुका. और नंबर 13, 17/30 आंसर. या 17/13. ऊपर हमारे पास जो आंसर है वो आपको पता है QR by D की फॉर्म में आता है. आपको पता है ना मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं, क्यू आर बाय डी, ठीक यस है. क्यू इज क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमारे पास है 13 और रिमाइंडर हमारे पास 17 है, और नीचे डिनोमिनेटर हमारे पास 30 है. तो आंसर इज कमिंग. व्हाट इज आंसर, फाइनल आंसर क्या है आपके पास, प्लीज राइट डाउन हियर. 4 13 13 17/30. 9 by 30. दिस इज करेक्ट आंसर. ओके बेटा, मैंने इसलिए आपका वेट किया ये पूरा क्वेश्चन करने के लिए क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी बिगर कैलकुलेशन थी, थोड़ा सा टाइम लगता है करने में. ओके, एंड एवरी कैलकुलेशन यू हैव टू चेक ट्वाइस. मल्टीप्लीकेशन है उसको भी 2 बार चेक करो, एडिशन है तो भी उसको 2 बार चेक करो, डिवीजन है तो भी 2 बार चेक करके फिर फाइनल आंसर आपने लिखना है, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन तो है नहीं है, सिंप्लीफाई है. ओके बेटा, एमसीक्यू में फिर भी आपको थोड़ा सा हिंट मिल जाता है कि ओके मैच कर रहा है मेरा आंसर या नहीं उससे. इज इट क्लियर. ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सेम, ऑल आर मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है. सेम वे से हमें करना है. यू विल डू दिस एट होम, दिस इज योर होमवर्क. ओके, एंड पहले इसको मिक्स में क्या कर, मिक्स को ट्रांसफर करोगे आप इम्प्रॉपर में, फिर उसका एलसीएम लोगे, फिर आप सेम वे में करोगे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया आपने. ओके, एवरीथिंग यू हैव टू डू इन द सेम वे, दिस इज योर होमवर्क, प्लीज मार्क इट. लेट्स गो फर्दर, वी आर गोइंग टू डू एमसीक्यू क्वेश्चन. टर्न द पेज, एमसीक्यू. फर्स्ट क्वेश्चन इज, अ कार रन 16 किलोमीटर यूजिंग 1 लीटर ऑफ पेट्रोल.
मैंने आपको बताया था कि जब भी हम स्टेटमेंट की क्वेश्चंस करते हैं, एक रफ कॉलम बनाते हैं, उसमें छोटे से एक पिक्चर बना लेते हैं अपने आप, अपने माइंड से सोच के कि क्या हो रहा है वहां पे। ठीक है, रफ वर्क में लिख लो आप कि एक तो हमारी लिटर्स की बात हो रही है, एक हमारी किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की। ठीक है, हमें गिवन क्या है इसमें, गिवन इज 16 किलोमीटर, डिस्टेंस इज 16 किलोमीटर 1 लीटर में। ठीक है, दे आर आस्किंग हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन, हाउ मच डिस्टेंस, दे आर आस्किंग डिस्टेंस 2 3/4 लीटर्स इज गिवन। ठीक है, आपको क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि दे आर आस्किंग अबाउट यूनिटरी मैथड। यूनिटरी मैथड आपको अप्लाई करना है। ओके, एंड यू नो यूनिटरी मैथड क्या होता है बेटा? वेरी गुड। तो वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर यूनिटरी, कि जो भी चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है उसको हम राइट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, सो वी विल राइट डाउन दैट 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल इज यूज फॉर 16 किलोमीटर डिस्टेंस। शॉर्ट फॉर्म में हमने स्टेटमेंट अपनी शॉर्ट फॉर्म में लिखनी है, कई बच्चे इट डज नॉट मैटर, सेंस निकल जाएगा। ठीक है, लेट मी हैव 2 3/4 पेट्रोल यूज्ड फॉर हाउ मच। ठीक है, 16 / 1 2 3/4 लीटर किलोमीटर, तो पूरा आपका ये कैलकुलेट हो जाएगा। प्लीज इसको कैलकुलेट करो। यू नो हाउ टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन? यस, वेरी गुड। द आंसर वाज 44 इज 44 44 इज यस। आई वांट टू थिंग व्हिच व्हाट अ मिस्टेक, व्हाट डू दे डू? They multiply these two first. I have seen in higher classes also, 8th class also, 9th class also. ये पहले इसको multiply कर देते हैं. तो who are saying that कि इसको पहले multiply करना है 16 into 2 को? Raise your hand. Who are saying कि पहले इसको multiply करना है फिर हमने आगे देखना है? No, it is not like this. Please remember ये जो हमारे पास 2 3/4 है, ये एक सिंगल नंबर है हमारे पास जिसको हमने पहले डील करना है। ठीक है, 16 हमारे पास सेपरेट है, तो पहले इसको हमने मिक्स फ्रैक्शन से हमने इसको लेके आना है इम्प्रॉपर में। ओके, सो वी विल राइट इट इन दिस वे, पहले इसको इसमें करो 16 into, पहले इसको पूरे को सॉल्व करो, 4 2 8 + 3 11/4। सबसे पहला हमारा काम है जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना, उसके बिना हम आगे चलेंगे ही नहीं, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो एडिशन हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन हो। प्लीज बी केयरफुल, यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं कि इन दोनों को हमने पहले नहीं करना, दिस इज रॉन्ग। ओके, नाउ यू कैन मल्टीप्लाई, यू कैन कट ऑल्सो, यू नो 4 4 16, वेरी इजिली सीन, सो 11 into 4 इज 44 किलोमीटर। ठीक है, आपकी ऑप्शंस दी हुई हैं तो आप इजीली मैच कर पाओगे इसके साथ। ठीक है, और आपका जब एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं तो आपकी चेकिंग भी हो जाती है साथ साथ में कि यस माय क्वेश्चन इज करेक्ट। ऑलराइट बच्चे? यस, वेरी गुड। सेकंड क्वेश्चन, इसमें आपको डायग्राम दिया हुआ है, प्लीज ड्रॉ द डायग्राम इन योर नोटबुक ऑल्सो, क्योंकि आपकी जो डायमेंशन दी हुई है ना बेटा, जो जो दिया हुआ है इसकी लेंथ दी हुई है, उनको बार बार हम इसमें असाइनमेंट में नहीं देखेंगे। ठीक है, नोटबुक में जल्दी से ये फिगर बना लो। ठीक है, ट्राई टू मेक इट नीटली, थोड़ा सा बड़ा, ताकि आपको क्लियरली दिखे इसमें क्या क्या है। ओके, इनकी जो डायमेंशंस लिखी हुई हैं, प्लीज राइट डाउन दैट ऑल्सो। आपको दिख रही है बेटा शीट में क्या क्या लिखा हुआ है? आई एम राइटिंग हेयर ऑल्सो, 5/3 सेंटीमीटर, दिस इज 5/3, देन 2 3/5, दिस इज 2 3/5 सेंटीमीटर। ओके, ऊपर है इसका 4 2/3, दिस इज 4 2/3 ट्रायंगल का साइड, और इधर है 3/4। एक्सक्यूज मी मैम, यस,
Ma'am, in the right side, it is not 5 by 3, it is 5 by 2. It is 5 by 2. Achha, mera aur bhi light hai. Are you sure? Yes! Okay, all right. To make it. Meri sheet mein thoda sa aur light tha ye. So, agar kaafi bache bol rahe hai ki ye 2 hai, to 2 hi hoga. I'm sure. Okay, bache, this is 5 by 2. So, this name is A, B, C, D and E. अब आपके पास जो डायग्राम बना हुआ है उसमें आपको क्लियरली दिख रहा है सॉरी डी इधर है और इधर है. इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. हमने इसको एक्चुअली यूज नहीं करना. दिस इज डी, दिस इज ई. आपको पता है जो ऑर्डर, जब भी हम नेम लिखते हैं किसी फिगर का तो ऑर्डर में लिखते हैं. ऐसा नहीं होता कि ए उधर चला गया और बी इधर आ गया. ठीक है, तो प्लीज रिमेम्बर ए बी सी डी ई. अगर आपको खुद भी अपना नाम लिखना पड़े इसमें फिगर्स में ए बी सी डी, लेबलिंग अगर नहीं की हुई है तो प्लीज गो इन ऑर्डर. एक ही डायरेक्शन में मूव करना है आपने, या तो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज. ओके बच्चे, राइट. चलो ये तो चीज आपकी बाद में काम आएगी. नाउ टू फिगर्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. एक आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी जो कि ऊपर है और नीचे आपको रेक्टेंगल दिया हुआ है. ओके, ट्रायंगल भी तो बेटा आपको दिख रही है, थ्री साइड्स आर गिवन, तीनों की डायमेंशन दी हुई है, लेकिन रेक्टेंगल में ओनली टू लिखी हुई है. तो टू आर इनफ, टू से चलेगा काम? Yes or no? No. How many sides you want? Triangle, no. Rectangle की आपको और भी चाहिए थी क्या sides? Can I ask? No. Seven C, Navneet, can I ask you बच्चे? Are you there? Yes. Please tell me कि rectangle की जो two sides हमें given है, this and this one, 2, 3 by 5 and 5 by 2, this is fine. या हमें और भी चाहिए थी, नीचे वाली भी चाहिए थी, इधर वाली भी चाहिए थी? Yes. What, yes? Is it fine? चलेगा इससे? Yes. Yes, very good. Why? Why are you saying कि सिर्फ इतना ही काफी है कि एक लेंथ दी है, एक ब्रेथ दी है रेक्टेंगल में, तो इट्स ओके, वी कैन डू द क्वेश्चन. Why are you saying yes? Yes, yes, you are correct बेटा. आपने बिल्कुल ठीक बोला है. बस मेरे को क्यों? मैम कैन आई? यस मैम, बिकॉज द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल. शी इज आल्सो टेलिंग मी समथिंग. एक मिनट, आपने ठीक बताया बेटा, इसको दोबारा से सुनूं मैं. यू आर टेलिंग मी बच्चे मैम ऑपोजिट साइड्स. एक्सीलेंट एक्सीलेंट, प्लीज गो बैक. वेरी गुड बेटा. सी, मैं अपनी कभी भी, जब भी टीचर कोई क्वेश्चन पूछते हैं ना, सबसे पहले तो कंफ्यूज नहीं होना, आपका क्लियर माइंड होना चाहिए. ठीक है, आपने फर्स्ट आंसर ठीक बोला, मैंने सिर्फ आपसे रीजन पूछा है, तो जो भी आपको रीजन पता है सामने बोलो. आप डोंट फील कि मेरा रीजन जो है वो ठीक होगा या नहीं होगा. सबका अपना अपना वे होता है बताने का. ठीक है, दैट बॉय टोल्ड मी बिकॉज लेंथ आर इक्वल इन रेक्टेंगल, तो ऑटोमेटिकली ये इसकी इक्वल होगी. सिमिलरली ब्रेथ आर इक्वल इन रेक्टेंगल, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी इक्वल होगी. अब आप सेवंथ में हो गए तो टू आर Given, that is enough. आपको पता है कि वो ऑलरेडी इक्वल ही. ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पैरामीटर दे आर आस्किंग. ठीक है, हमें पैरामीटर निकालना है ट्राइंगल का भी और उसका भी. तो Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, first answer is whole number 8, 1 by 60. First मतलब क्या? Area of sorry, perimeter of triangle ABC. Yes. Yes. Okay, good. You have found it. तो आई एम टेलिंग टू अदर चिल्ड्रन ऑल्सो, जिन्होंने नहीं किया अभी तक, ट्राइंगल की जो डायमेंशन है उनको हम एड करेंगे. ठीक है, पैरामीटर ऑफ, राइट डाउन हियर, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल. ये आपको पता है सबके साइड्स को प्लस कर देना है. 4 2 by 3 प्लस 3 by 4 प्लस 2 3 by 5, तीनों को हम प्लस करेंगे. आपको अभी अभी हमने क्वेश्चन किया भी था पहले, हमने कि जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है. इम्प्रॉपर में करने के बाद जो आपकी वैल्यूज आएंगी, 4 3 12 12 and 2 14, ओके, प्लस 3 by 4 प्लस 13 by 5. जिसका यहां तक निकल गया है ना, वो आगे कर पाएगा इजिली, क्योंकि ये भी एक मेजर स्टेप है. आपके हाफ मार्क इसी स्टेप की होते हैं कि आपने मिक्स को अच्छे से विदाउट एनी मिस्टेक इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर दिया है. आपको पता है मैथ्स में बेटा स्टेप वाइज मार्क्स होते हैं आपके. ठीक है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, एवरी स्टेप यू हैव टू डू वेरी कॉशियसली. ठीक है, आपका अगर हाफ क्वेश्चन रॉन्ग होगा तो हाफ मार्क्स मिल जाएंगे आपको.
ऑलराइट यहाँ तक ठीक है। अब आपको मैंने इजी मेथड एक एलसीएम निकालने का बताया था कि कोई भी नंबर किसी के टेबल में नहीं आता। कैन यू सी 3, 4 एंड 5 ऑल थ्री आर डिफरेंट। कोई किसी के टेबल में नहीं आता नंबर, कोई किसी का फैक्टर नहीं है, कोई किसी का मल्टीपल नहीं है, तो हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जो जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसमें 60 है क्या? ठीक है, अब आपको वो टेबल बनाने की जरूरत नहीं है साइड पे जो आप 6 में बनाते थे। 3, 4, 5 का एलसीएम दिया, उसको ऐसे बनाया और काउंट किया यहाँ पे। ठीक है बेटा, नाउ दिस इज शॉर्टकट मेथड फॉर यू कि हमारा तीनों अलग अलग नंबर्स हैं, तीनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 60 एलसीएम आ गया। अब ऊपर आपको पता ही कैसे आएगा, एंड जो जो बच्चों ने कर लिया है दे मस्ट नो कि इट इज, मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ अभी, 280 45 प्लस आपको 156 आएगा बेटा मल्टीप्लाई करके। और जो आंसर आ रहा है आपका इसका देख लेना आप, आई थिंक इट इज कमिंग टू बी, ऐड करके आपका आएगा दिस वन 481/60 आ रहा है शायद। इज इट फाइन? जिसने कर लिया है दे कैन मैच इट। और जब भी मैंने आपको बताया, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में होता है यू हैव टू चेंज इट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन के हिसाब से आपके पास आ रहा है 81/60। दिस इज द पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल। और जब भी आप पैरामीटर लिखते हो उसका यूनिट पक्का लिखते हो, क्योंकि ये लेंथ है, पैरामीटर इज अ लेंथ, कोई भी लेंथ होती है वो बिना उसके यूनिट के नहीं आएगी। एंड इट इज रिटन इन डायग्राम ऑल्सो, दे आर ऑल इन सेंटीमीटर, यू हैव टू राइट इन सेंटीमीटर ओनली। पैरामीटर को भी आपको सेंटीमीटर में लिखना है। इज इट क्लियर बेटा? Yes. वेरी गुड। तो आपका पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल इज मैचिंग, लेकिन आपके पास ए ऑप्शन में भी यही है और सी में भी यही है, तो हमें क्या पता कि कौन सा फाइनल आंसर है। थोड़ा सा हमें क्लू तो मिल गया कि या तो ए आंसर होगा या सी होगा। तो हमें फाइनल आंसर के लिए अभी रेक्टेंगल का भी पैरामीटर निकालना पड़ेगा और देखना पड़ेगा वो किससे मैच कर रहा है। तो सिमिलरली हमारा एरिया, सॉरी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल हमने निकालना है। आई विल शिफ्ट टू नेक्स्ट पेज। डायग्राम आपके सामने ही है, आपकी नोटबुक में बना हुआ है। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आपको सबको फॉर्मूला पता है इसका, यू हैव डन इन अदर क्लासेस ऑल्सो, इट इज 2l + b। यू नो इट बच्चे? वेरी गुड। 2l + b इसकी वैल्यूज डालो आप। l + b की आपके पास एक है, आपके पास 13/5 थी और दूसरी आपके पास थी 5/2। ठीक है, ये तो छोटा सा नंबर है, ट्रायंगल वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट था लेकिन रेक्टेंगल वाला इजी है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज कैलकुलेट। वेरी गुड, सबको आता है करना। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। आपको पता है बॉडमास किया था आपने 6th में। वेरी गुड, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। और ब्रैकेट में है, आपको नीचे दिख रहा है 5 एंड 2, दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट नंबर, कोई किसी से मैच नहीं करता, कोई किसी के टेबल में नहीं आता, तो हमारा एलसीएम डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 5 2 10। वेरी गुड, फाइंड आउट एंड टेल मी फ्रैक्शन क्या आ रहा है। मैम 26 आई मीन फ्रैक्शन इट इज 102/10। ओके, लेट अदर चिल्ड्रन आल्सो डू, सबको करने दो। 26 + 10 सी इट इज 10 इज द एलसीएम, नीचे आ रहा है 13 नीचे आएगा, प्लस हियर 5 विल कम, 5 5 इज 25, सो इट विल कम इन दिस वे 51/10, 2 × 51/10। You can cut it also, 5 2 10, it will be 51/5. इसको आपने mix में change करना है, 51/5 को, okay? Mix में change करने के लिए इसको divide करो। Rough column आपका column आपका लिखिए। Means C option is the correct. Yeah, one, ठीक है? जब वन आपका ऊपर आया, जब वन आप नीचे उतारोगे जीरो लगाओगे, यू नो इट, हु विल टेल मी कि यहाँ जीरो क्यों आया है ऊपर? ऊपर चलिए यार, चलिए यार,
सेवेंथ बी कनिका, आर यू देयर? मेरे को बताओगे यहाँ पे जीरो क्यों आया है डिविजन में? हम कहना है कहना यार सेवेंथ बी कनिका, आर यू देयर? यस, काफी बच्चे हाथ भी खड़ा कर रहे हैं. सेवेंथ सी से आई कैन सी वन गर्ल इन द बिगनिंग. हाँ, यू कैन टेल मी बच्चे, माइक आपके साथ ही पड़ा है. यस, कैन यू टेल मी? क्योंकि फाइव के टेबल में वन नहीं आता. फाइव के टेबल में वन नहीं आता. यस, वन नहीं आता, इसलिए हमने इसको छोड़ना नहीं है. तो हम करेंगे फाइव जीरो सा जीरो, तो हमारा वन फाइनल माइनस करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है ना, उसको हम रिमाइंडर मानते हैं बेटा. यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, इवन आपसे भी जो सीनियर बच्चे हैं ना बेटा और क्लासेस के, दे ऑल्सो मेक अ मिस्टेक कि कभी भी इसको रिमाइंडर नहीं मानना आपने. जो नंबर यहाँ से आपने नीचे लेके आए हो ना, जैसे वन को लेके आए हो, उसको हमने डील करना है, उसको सॉल्व करना है. जैसे अभी हमने किया फाइव जीरो सा जीरो, प्लीज रिमेम्बर. इसलिए इसका क्वेश्चन आया है हमारे पास 10. तो हमारा आंसर क्या आएगा बेटा? क्यू आर बाय डी इज इक्वल टेन टू होल नंबर वन बाय 10 फाइव इज आंसर. या वन बाय सी फाइव सेकंड ऑप्शन. या सेकंड ऑप्शन. नाउ बी ऑप्शन इज मैचिंग, वेरी गुड. जिस बच्चे ने पहले कर लिया था वो बड़ी देर से पेशेंस से वेट कर रहा था, है ना, फॉर अदर चिल्ड्रन टू कंप्लीट. दैट्स वेरी गुड. चलो वेरी गुड, सी ऑप्शन इज मैचिंग, यू कैन मार्क इट. चलो लेट्स डू असर्शन रीजन क्वेश्चंस नाउ. ये थोड़े से ओरल करने वाले क्वेश्चन है, मेंटली आपको सोचने हैं ये, और ट्रू फॉल्स मेरे को बताने हैं. असर्शन इज, फर्स्ट इज, थ्री इंटू वन बाय फाइव इज इक्वल टू थ्री बाय फाइव. दिस इज करेक्ट और नॉट? करेक्ट. ओके, चलो नेक्स्ट वाला भी देखो. फोर इंटू एट बाय सेवन इज इक्वल टू 32/7. इज इट करेक्ट? मैम ट्रू. ट्रू, बिकॉज 4 × 8 इज 32. न्यूमिरेटर को न्यूमिरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो 32 आएगा, डिनोमिनेटर में एज इट इज 7 आएगा. ओके, तो दिस होल स्टेटमेंट इज ट्रू. रीजन इज टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद अ प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. वी मल्टीप्लाई द होल नंबर विद द न्यूमिरेटर ऑफ द फ्रैक्शन. जो अभी अभी हमने किया उसी को ही दोबारा वो सेंटेंस फॉर्म में बता रहे हैं कि टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर विद द फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई न्यूमिरेटर टूगेदर. यही तो किया है ना हमने इस सेशन में, ठीक है? रीजन ट्रू होगा या फॉल्स? ट्रू बच्चे, ट्रू. अभी तो हमने सेम ही तो चीज यूज की है यहाँ पे. टू मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन वी मल्टीप्लाई द न्यूमिरेटर्स 4 × 8 एंड राइट द डिनोमिनेटर. यस, देयर इज रिटन दैट कीपिंग द डिनोमिनेटर सेम. यस, डिनोमिनेटर सेम, तभी तो सेम आ गया. 7 7 एक होल नंबर था, होल नंबर का तो डिनोमिनेटर है ही नहीं, सिर्फ फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना, तो वो एज इट इज आ जाएगा. इज इट क्लियर मैम? यस, दिस इज ट्रू. ओके, बोथ आर ट्रू एंड बोथ आर मैचिंग टू ईच अदर ऑल्सो. जो आपने असर्शन में किया उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है रीजन में, तो आंसर ए इज मैचिंग, ए ऑप्शन इज मैचिंग विद इट. ओके बच्चे, सेकेंड इज 4 × 2 1/5. 4 × 2 1/5 इज इक्वल टू 4 × 11/5 इज इक्वल टू 44. इज इट ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू. ट्रू, वेरी गुड. सबको पता चल चुका है, अभी हमने काफी बार कर भी लिए हैं ये. रीजन इज ऑफ रिप्रेजेंट्स मल्टीप्लीकेशन. ऑफ, आपने क्वेश्चन पूछा होगा 1/5 ऑफ 25. क्वेश्चन किए थे आपने, ट्रू. 1/5 मीन्स 1/5. ट्रू, यस ट्रू, यू आर राइट. असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट मैचिंग विद असर्शन. वो कुछ और स्टेटमेंट है, वो कुछ और स्टेटमेंट है, इसलिए हमारी बी ऑप्शन मैच करेगी इससे. ऑल राइट, सेकेंड के लिए हमारी ऑप्शन आएगी बी. वेरी गुड. नेक्स्ट इज असर्शन 5 × 3 2/7. आई एम जस्ट मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट पेज. इट इज 5 × 3 2/7.
is equal to 15 2 by 7. आपको दिख रहा है इसमें वेरी क्लियरली बच्चे, पहले भी मैंने आपको बताया था डोंट गेट कंफ्यूज कि 5 और 3 को हमने इकट्ठा नहीं लेना है कभी भी. और वो ना हमारे पास मिक्स नंबर सेपरेट है. ओके सो दिस इज फॉल्स. रीजन इज टू मल्टीप्लाई अ मिक्स नंबर, सॉरी टू मल्टीप्लाई, इसी के बारे में ही बता रहे हैं, टू मल्टीप्लाई अ मिक्स फ्रैक्शन विद द होल नंबर, फर्स्ट वी कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. ट्रू. ठीक है. हमारी विच ऑप्शन इज मैचिंग? डी. डी. ओके बच्चे, मल्टीप्लीकेशन में आपको ये चीजें ध्यान देनी है स्पेशली उसके लिए मिक्स के लिए, कि ये थोड़ा सा ना मिक्स वाला जो है वो उसको एक ही नंबर काउंट करना है आपने, सिंगल नंबर, किसी के साथ मर्ज नहीं करना. ओके यहाँ पे काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, दैट्स व्हाई आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. लेट अस डू केस नेक्स्ट. दिस इज आल्सो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. रीटा हैज बॉट कारपेट ऑफ साइज 4 meter by 6 2 by 3 meters. येस्टरडे आई टोल्ड यू रफ कॉलम आपका रेडी रहना चाहिए. जैसे ही हम स्टोरी सम्स करते हैं, स्टेटमेंट क्वेश्चंस करते हैं, तो एक कारपेट है हमारे पास, कारपेट की डायमेंशंस दी हुई हैं हमें 4 meter by 6 2 by 3 meters. व्हाट डू यू मीन बाय दिस डायमेंशन? आपको क्या लगता है कि इसमें कारपेट के बारे में आपको क्या क्या गिवन है? कैन आई आस्क जस्ट अ मिनट, रंजीत सिंह ऑफ 7B, कैन आई आस्क यू? आपने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे बेटा, कि अगर ऐसे साइज दिया हो तो हमें क्या पता चलता है कि उसमें है वो, क्या गिवन है? ओके कैन आई आस्क 7D जसकरण सिंह, डी सेक्शन, या वेरी जो आपको बताओगे क्या? मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग. वॉइस इज नॉट कमिंग. मैम नाउ इट्स ओके. नाउ इट्स ओके. ओके टेल मी बच्चे, आप कारपेट में हमें ये क्या दिया हुआ है जब की साइज दिया होता है तो? डाइमेंशंस. डाइमेंशंस. डाइमेंशंस में क्या क्या गिवन है? मैम इट्स लेंथ. लेंथ एंड ब्रेथ. ब्रेथ. वेरी गुड. वेरी गुड. गो बैक. You know it is its area L into B. तो हमारी जो L है वो 4 meter दी हुई है और जो breadth है वो 6 2 by 3 meters दी हुई है. ठीक है, that you have to write yourself. तो हमारा question should be L is 4 meters. C option is correct. 2 by 3 meters. Please wait. Let others also understand and do. C option. The option you have found the area to find out karna bahut easy hai. Yes, bahut easy hai. Aapne pehle bhi kiya hua hai ye area of carpet nikalna. Sabko pata hai ki rectangle ka area kya hota hai, l into b hota hai. Simple, aapne l into b karna hai aur find out karna hai. Theek hai, kyunki sirf abhi carpet ke bare mein pucha hai, abhi dusri dimensions to humne use hi nahi kiye hain, room wali. Theek hai, dono ko jab multiply karoge to aapke paas answer aa raha hai, option aa rahi hai c option 26 2 by 3. C option, please correct it. This is all right. Let other children also do. जिन्होंने नहीं किया वो कर सकते हैं अभी. आपको पता है बेटा, जब मैं दोनों ही, जब एक होल नंबर है और एक मिक्स फ्रैक्शन है, अभी अभी मैंने बताया था कि कैसे मल्टीप्लाई करना है. अभी हमने एमसीक्यू में भी किया था, 4 into, पहले इसको सॉल्व करो और उसके बाद मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, तो हमारी ऑप्शन आ रही है 26 2 by 3. सेकेंड क्वेश्चन, वट इज द एरिया ऑफ रूम? मैम बी ऑप्शन. बी ऑप्शन. अभी रूम का निकालना है. ओके लेट अस सी. आपकी डायमेंशंस 3 3 1 by 3 meters इनटू 5 1 by 3. जिन बच्चों को थोड़ा सा बेटा मिक्स वालों को देखने में प्रॉब्लम होती है, प्लीज उनको ब्रैकेट्स में डाल लो ताकि आपको पता चले कि वो दोनों सेपरेट हैं. जैसे ही आप ब्रैकेट डालोगे आप बहुत क्लियरली नंबर्स को देख पाते हो और कोई मिस्टेक नहीं होती है. ओके बेटा,
ब्रैकेट में हमने क्यों डालना है, एक तो आपको ये पता चल रहा है कि हमें पहले मिक्स फ्रैक्शन को डील करना है, पहले उसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देना है। आई थिंक ये बच्चे 7D वाले मर्ज हो रहे हैं, इसमें कौन सा सेक्शन आ रहा है, बी वाला। आई वेट फॉर यू, सेटल डाउन फास्ट। बोल रहे थे ना मर्ज हो रहे हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड, सेटल डाउन। काफी बच्चों ने कर भी लिया ये क्वेश्चन, आपने सिंपली उनको मल्टीप्लाई करना है। जब आंसर आएगा आपके पास, बी ऑप्शन आ रही है, इट इज 17 7/9 मीटर स्क्वायर। प्लीज रिमेम्बर, आपको भी पता है कि जब यूनिट लिखते हैं, जब हमने पैरीमीटर निकाला था तो उसका यूनिट मीटर में आएगा क्योंकि वो एक लेंथ है। जब हम एरिया की बात करते हैं तो एल इंटू बी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब मीटर इंटू मीटर इज मीटर स्क्वायर। इज इट क्लियर? यहाँ तो ऑप्शन है बेटा, आप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली। अगर पूरा क्वेश्चन ऐसे ही निकालना पड़े विदाउट एमसीक्यू, देन यू शुड नो कि यूनिट लिखना इज इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ एरियाज ऑफ रूम एंड कार्पेट। यू विल नॉट आंसर मी लाइक दिस, आई वॉन्ट टू आस्क यू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस, दे टॉकिंग अबाउट डिफरेंस ऑफ एरियाज, डिफरेंस ऑफ एम डी ऑप्शन एरियाज। लेट मी आस्क अदर चिल्ड्रन ऑल्सो। ठीक है, जब आपने बेटे एरियाज निकाल लिए, दोनों के एरियाज आपने निकाल लिए, आपने इसका भी निकाल लिया, कारपेट का आपका एरिया जो आ रहा था वो आ रहा था 26 2/3 मीटर स्क्वायर, और जो रूम का एरिया आ रहा था वो आपका आ रहा था 17 7/9 मीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो इनको सबसे पहले बेटा आपने मिक्स में चेंज, मिक्स में है ये फ्रैक्शन, प्लीज इसको इम्प्रॉपर में चेंज करो। आई वॉन्ट टू नो कि इसका इम्प्रॉपर में क्या रिजल्ट आ रहा है और इसका इम्प्रॉपर में क्या आ रहा है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, प्लीज डू इट। मैम द एरिया ऑफ मैम का मैम द एरिया ऑफ कारपेट इज 80/3 160/9। ओके, सारे नहीं बोलेंगे, सबको करने दो बच्चे, प्लीज वेट, आई विल कॉल द नेम। यस, वेरी गुड। रफ भी करना पड़ेगा, रफ कॉलम है बिकॉज ये 26 का टेबल यूज हो रहा है, यहाँ पे 17 का टेबल यूज हो रहा है, जिनको आता है वो भी एक क्विकली रफ में चेक कर लिया करो ताकि आपकी मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये थोड़े से हायर नंबर है तो आपका क्रॉस चेक हो जाता है वेदर यू आर डूइंग करेक्टली और नॉट। ओके, इज इट कमिंग 80/3 एवरी वन, हैव यू फाउंड? यस यस, रेज योर हैंड। Who are saying 80/3 is correct answer? Very good. काफी बच्चों ने कर लिया, इसको भी निकालो बेटा, find out this also. Ma'am, can I tell the answer? Ma'am, 160/9. 160/9. Okay. Let others also do. I want to see others also doing it. Very good. जिसका हो गया रेज योर हैंड, जिस इसने कर लिया 160/9, दैट्स गुड गुड वेरी गुड 160/9। ठीक है, अभी हमें दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करना है। ओके, सो इट इज 80/3 माइनस 160/9, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। अब आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन पहले भी किया होगा, आई थिंक लास्ट ईयर भी किया होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन आपको करनी आती है इसका एलसीएम लेके, प्लीज फाइंड आउट। आपको मैंने बोला था कि जब नीचे भी एलसीएम आप ओरली कैसे करोगे, 3 and 9, यू नो 9 कम्स इन 3 टेबल, एवरीबॉडी नोज, यस, तो एलसीएम हो जाएगा डायरेक्टली 9, कुछ और आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके, 9 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके आ जाएगा 3 into 80 माइनस 160,
Ma'am, D option. Which option is matching? D option is matching. Okay, answer is coming 80/9. D option. Mix me kar rahe ho, so it is becoming 8/9. D option. Okay, this is the difference. ठीक है बेटा, जिन बच्चों का साथ साथ नहीं हो रहा है, अभी आंसर सामने नहीं निकल रहा है, प्लीज ये हिंट्स लिख लो छोटे छोटे, ताकि व्हेन यू विल डू एट होम यू विल कम टू नो कि योर कैलकुलेशन इज बिकमिंग करेक्ट. ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा कि आपकी मिस्टेक नहीं हो रही है, क्योंकि आपको स्टेप वाइज मार्क्स मिल रहे हैं. समटाइम व्हेन क्वेश्चन इज डिफिकल्ट, आपका आंसर नहीं मैच करता, बट आपके स्टेप्स कहीं ठीक होते हैं, हाफ क्वेश्चन तक आपके स्टेप्स ठीक होते हैं, तो हाफ क्वेश्चन पे कई मार्क्स मिल जाते हैं आपको. बी वेरी केयरफुल. ओके, अगर पूरा क्वेश्चन ठीक है फिर तो और भी अच्छी बात है. शैल वी मूव अहेड, अगला क्वेश्चन करें? यस. ऑल राइट. फोर्थ क्वेश्चन इज एरिया ऑफ द रूम इज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ कार्पेट, 1/3 ऑफ एरिया ऑफ कार्पेट, या 2/4 ऑफ एरिया ऑफ कार्पेट, या फिर 1/6 ऑफ एरिया. ऑप्शन 1/3 ऑफ एरिया ऑफ कार्पेट. नंबर हु आर सेइंग दिस 2/3, रेज योर हैंड. 1/3. ओके, व्हाई आर यू डूइंग इन सो हरी? जो बच्चे 1/3 बोल रहे हैं वो रॉन्ग है, प्लीज इसको दोबारा करो. डोंट बी इन हरी, सोचना है उसको, यू नो हमारे पास एक दोनों को कंपेयर करना है बेसिकली. हमने आपका कारपेट का जो एरिया था इट वॉज 80/3, और जो आपका रूम का एरिया था दैट वॉज 160/9. ठीक है, हमने दोनों को कंपेयर करना है. कंपेयर मीन्स आपको ये देखना है कि कौन सा बड़ा है और कितना बड़ा है. 80/3 इज इक्वल टू, यू नो 80 into 2 नीचे दिख रहा है आपको 3 into 3 दिख रहा है ये आपको. 9 इज 3 into 3 एंड 160 इज, ये आपके पास कारपेट है और ये आपके पास रूम है. मैं चलो यहाँ पे सिंगल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ बिकॉज हमें कंपेयर करने हैं दोनों. 160 को मैंने लिख दिया 80 into 2 और मैंने नीचे 9 को लिख दिया 3 into 3. A option. वेरी क्लियरली कि जब मैं इसको काट दूंगी तो 2/3 आपको दिख रहा है क्लियरली, तो 2/3 जो है वो आंसर आएगा. ए ऑप्शन इज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ कार्पेट. दिस इज द वे टू कंपेयर. ठीक है, बिना लिखे और बिना कुछ रफ वर्क किए आपका नहीं हो, सॉल्व नहीं हो सकता ये. सो डोंट बी इन हरी टू टेल मी. एग्जाम में भी जल्दी में नहीं करना आपने. ठीक है, देयर इज अ मेथड टू कैलकुलेट कि कैसे आया ये 2/3, कैसे आया 1/3, कैसे आया. प्लीज नोट इट डाउन, ये आपका रफ वर्क में हो जाना चाहिए कि हमारा कारपेट का इतना था और वो रूम का इतना था, तो उनका दोनों का रिलेशन क्या है आपस में. आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि रूम बिगर था, रूम उसका 2/3 पार्ट था कारपेट का, सॉरी कारपेट बिगर था. ओके, इज इट क्लियर? यस. ओके, वेरी गुड. अभी आपके 5 मिनट्स और हैं, जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन होमवर्क दिया था स्टार्ट डूइंग दैट. और अगर किसी को डाउट है दे कैन ऑल्सो आस्क मी. ठीक है, किसी को कोई डाउट है कि मिक्स को इम्प्रॉपर में कैसे कन्वर्ट करना है, या फिर आपको पैरीमीटर कैसे निकालना है, एरिया कैसे निकालना है, डिफरेंस कैसे निकालना है, यू कैन स्टैंड एंड आस्क मी. माइक आपके साथ है, आई एम ऑल्सो स्टैंडिंग हियर, वी आर नॉट डूइंग एनी क्वेश्चन. You are doing question number 2 जो मैंने पहले आपको होमवर्क में दिया था. Start doing it. थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हाफ अभी कर लो, हाफ यू कैन डू एट होम. प्लीज रिमेंबर इसका एमसीक्यू नहीं है, इसका आंसर आपके सामने नहीं है. प्लीज एवरी कैलकुलेशन शुड बी चेक ट्वाइस, दो बार चेक करना है एवरी कैलकुलेशन. वेरी गुड. I'm writing question here also. जिसको देखना है वो देख भी सकते हैं. 13 3/4 plus 17 2/7 plus 31 1/4 plus 15 5/7 plus 12 2/3.
जिसका ये क्वेश्चन ठीक हो गया इट मीन्स कि यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर. धीरे धीरे करना है एवरी स्टेप. सारे मिक्स में आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 फाइव नंबर्स हैं जो मिक्स में हैं. रफ कॉलम बनाओ, रफ में मल्टीप्लाई करो. किसी ने किसी का देखना नहीं है. व्हेन नोटबुक जो आपको आता है जाता है. सबके कंसेप्ट डिफरेंट हैं. एवरीबॉडी वेरी गुड. एक छोटा सा क्यों आई वॉन्ट सेवेंथ डी में से आई वॉन्ट टू कॉल काजल सेवेंथ डी. यस वेरी गुड. प्लीज टेल मी एलसीएम क्या आएगा. डिनोमिनेटर्स के जो नंबर्स हैं 3 4 4 7 7 कैन यू टेल मी ओरली एलसीएम क्या आएगा इसका. मेरे को सिर्फ ये बता दो कौन से नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे. यस कौन कौन सा नंबर है. यस और सेवन. मैम एलसीएम इज 84 बेटा. हाँ यस मैंने तो एक मिनट एक और नंबर रह गया और किसको मल्टीप्लाई करेंगे. 3 7 and 4 वेरी गुड. इन तीनों नंबर को अब यहाँ पे 4 आ रहा था एक बार लिख दिया. 7 2 times बार लिख दिया. अब 3 7 अब इंडिपेंडेंट नंबर कोई किसी के नहीं तो तीनों को हमने मार दिया वो उसका एलसीएम आ जाएगा. इज इट क्लियर. काफी बच्चों ने निकला सेम कितना आ रहा है. प्लीज गो बैक वेरी गुड जाके मल्टीप्लाई कर. काजल गो बैक वेरी गुड. तीनों को मल्टीप्लाई करके जो करोगे जो आंसर आएगा वही आपका एलसीएम होगा. व्हाट इज कमिंग 84 84 is the LCM. आप यहाँ पे लिख सकते हो. यहाँ पे आपके पास 84 आ जाएगा. पहले आपने मिक्स में किया उसको मिक्स से इम्प्रॉपर में किया फिर इम्प्रॉपर से आपने LCM निकाला. मैंने आपको बताया बेटा एवरी स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जिन बच्चों ने मिक्स करने के बाद इम्प्रॉपर में लिखा उनको भी मार्क्स मिलेंगे. फिर उसके बाद उसके एलसीएम ठीक निकाला उसके भी मार्क्स मिलेंगे. ठीक है एवरी स्टेप पे आपको मार्क्स मिलते जाने हैं. व्हेन टीचर चेक द क्वेश्चन ना तो साथ साथ मार्क्स होते हैं कि हाँ 3 marks का टोटल क्वेश्चन है तो हाफ ऑफ मार्क आपके एवरी स्टेप पे मिलते जाएंगे. आई होप यू कैन डू दिस एट होम. प्लीज ट्राई इट. ओके एंड टेल मी आंसर टुमारो. कल भी हम फ्रैक्शन की मॉड्यूल करेंगे नेक्स्ट का लेकिन इसका आंसर मैं पहले. ओके बेटे चलो ऑल द बेस्ट. यू आर ऑल हार्ड एंड डू वेल. बाय बाय मैम. बाय मैम. थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस. थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय मैम. बाय मैम.
Thank you, ma'am. Thank you for the public meeting. Bye, ma'am.